जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एसटीसी श्री बारामूला में पासिंग आउट परेड की गई आयोजित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अब समाचार विस्तार से। जेकेपी के 16वें बैच के 510 रिक्रूट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भाग लिया और आज उन्होंने एसटीसी श्री बारामूला में बहादुर पुलिस कर्मियों के कई प्रदर्शन देखे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सदैव अदम्य साहस का परिचय दिया है और राष्ट्र उनकी निस्वार्थ भावना और बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। स्टैमिना का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं ये जवान अपने अपने। सबसे पहले मैं खुदावंद करीम का बहुत ही मशहूर हूँ कि मौसम साजगार रहा और जो हमारी 11 महीनों की जो ट्रेनिंग थी और आज वो इख्तिताम पजीर होगी। और सबसे पहले मैं बहुत ही मशहूर हूँ और शुक्र है कि हमारे असाज़ा साहिबान ने हमें हमारे ऊपर बहुत मेहनत की और हमें वक्त पे वक्त हौसला अफजाई की और हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज जो है हमारा जो ये ट्रेनिंग कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। और माजिद साहब का शुक्र जो प्रिंसिपल है एसटीसी शीरी के और तमाम उस्तादान साहिबान का शुक्र अदा करूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया। एंड मैं हम आगे जाके सोसाइटी के में बेटर ये सर्विस देंगे और इंशाल्लाह होप वी विल फॉर द बेस्ट एंड वी विल गिव द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आया। हमारे 11 महीने कम्प्लीट हुए, आज हमारी पासिंग थी और जो एक्सपीरियंस हमें इधर हुआ, डिसिप्लिन का पता चला, कैसे रहना है, कैसे बैठना है और टाइम टेबल का पूरा पता चला और मज़ा भी आया बहुत सर इधर इस ट्रेनिंग स्कूल में आके। तो सो अच्छा रहा। तो सोसाइटी के लिए सर अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों के भले के लिए सोचना चाहिए सर, ताकि लोग मदद के लिए हमारे पास आते हैं। अगर हम नहीं करेंगे मदद तो उधर ये हमारे लिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये किसी के लिए ये कपड़ा हो सकता है लेकिन हमारे लिए इमोशंस है। महबूबा